नमस्कार दोस्तों, दिल लग गई कुड़ी गुजरात दी। अब सारी हिंदुस्तान की कुड़ियों को मेरे ख्याल से अब ठुमके लगाने का वक्त आ गया, क्योंकि हमारे जस्सी बाजी एक गाना लेकर अब आ गए हैं। हिट सॉन्ग है तेरे ठुमके। जस्सी बाजी क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग के बारे में यही कि लोग पसंद कर रहे हैं। हमने 7 दिन वेट की कि 7 दिन के बाद अगर लोग पसंद करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा गाना, फेमस होना शुरू होएगा तो तभी जाऊंगा प्रेस में, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा जाके, नहीं सच नहीं बोल सकते जाके कि फ्लॉप हो गया, और अगर नहीं चला तो फिर झूठ नहीं बोल सकते कि हिट हो गया। तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस में जाना शुरू किया। आज फर्स्ट डे है कि मैं प्रेस में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया, और टीवी रेडियो जो अच्छे चीज़ें कई नहीं चला रहे थे उन्होंने भी चलाना शुरू किया। जैसी भाजी ये जो वक्त है, टाइमिंग भी है, क्योंकि मैरिज सीजन हिंदुस्तान के अंदर जी, है जी, 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 तो पूरे जो माहौल होता है, और आपका गाना मेरे ख्याल से अगर आज भी, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे जो डांस के प्रोग्राम जी, जी, होते जी, जी, हैं, जी, शादी पार्टियों के, उसमें आज भी आई थिंक वो उसका भी हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले नहीं सोचा था ऐसे। पहले सोच रहे थे कि वेडिंग सीजन जो है वो जनवरी में होएगा ऐसे करके, बट मेरा मन था कि मैं रिलीज़ करूं, और मेरा एक और कोई एक गाना 1 महीने बाद आने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जल्दी रिलीज़ करूं, तो उसका भी फ़ायदा हुआ। जो क्योंकि डीजे को नए नए गाने चाहिए होते हैं, नया डांसिंग बीट चाहिए होती हैं, तो उसका फ़ायदा हुआ है। सर कल आप पंजाब जो हमारे किसानों की रैली है, कल वहाँ भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या वाकई कुछ, जैसे आपके अंदर कुछ दर्द है या कुछ अंदर से कुछ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो किसानों, मैं तो किसान का बच्चा हूँ, उनका बेटा हूँ किसान। मेरे डैडी, मेरे सारे लोग जो हैं, ताए चाचे जो हैं, वो किसान हैं, छोटे किसान हैं, और छोटे किसान हैं इसलिए किसानों का दर्द ज़्यादा है। और पहले से हम लोग, मैं थोड़ा इस मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा हूँ। संतराम उदासी को भी सुना है हमने, पाश को सुना है, जो किसानों के लिए काम करते थे संगठन, उनके साथ भी रहे हैं। मैंने किसानों और कृतियों के लिए गाना भी गाया संतराम उदासी जी का, तो मैं करता रहता हूँ ऐसे काम। वो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने उनको बोला था कि कुछ और आर्टिस्टों को बुलाओ, जो क्योंकि ऑल इंडिया किसान आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ही आके परफॉर्म करो। तो मुझे लगा मुझे भी ठुमके लगाने चाहिए उनके साथ। सर जो आप ये गाना बना था दिल लग गई कुड़ी गुजरात की, तो यंग जनरेशन में काफ़ी अब जो नई जनरेशन आ गई, और आपके तेरे ठुमके जो आ रहे हैं, अब ये जनरेशन बिल्कुल नई है जी, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ इसमें कुछ नया किया है, म्यूज़िक कुछ नया किया है या नई जनरेशन को कुछ? म्यूज़िक मतलब नया तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया किया है, मगर ढोल को थोड़ा सा बड़ा साउंड बनाने की ट्राई की है, क्योंकि बहुत सारे ढोल के गाने चल रहे हैं। ट्रेंड के साथ तो मैं गया हूँ, लिरिक्स जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं, ये नया पाना है मुझे लगता है, क्योंकि 4-5 साल से जो आप गाने सुनते आ रहे हैं, तो उसमें या तो बहुत हल्के होते हैं या फिर गंदे होते हैं, तो वो दोनों चीज़ों को परहेज़ करना था। तो आई थिंक वो पैटर्न हमने तोड़ने की ट्राई की है, और लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लिरिक्स के कारण कर रहे हैं या ढोल की बीट के कारण कर रहे हैं या मेरी सिंगिंग के कारण कर रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर लोग पसंद कर रहे हैं तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हम। भाजी आपने नाम तो अपना खूब बनाया, लेकिन जो एक सिंगर की पूरी एम्बिशियस होती है अपने, रफीदा किशोर दास मान जी हैं, तो कुछ जो लीजेंड है हमारे, तो वहाँ तक अभी आप क्या कहेंगे कितनी दूरी है, और कितना आप उसके लिए भी सक्सेस? मुझे लगता है उसके लिए तो मेरी अभी उम्र भी नहीं है, तो मैं चीज़ें देखो बंदा ऐसे नहीं सोच के करता कि मैं ये बनूंगा। रफ़ी साहब तो नहीं बन सकता कोई, गुरदास मान भी नहीं बन सकता, मगर एक आपकी स्टेज होती है, आप पता नहीं आप कहाँ जाके ठहरते हो सकता है यहाँ ठहरो, हो सकता है यहाँ ठहरो, मगर मैं बहुत सारे लोगों को अपने अंदर बसा के चल रहा हूँ। जैसे आपने गुरदास जी की बात की है, जगजीत सिंह जी हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, या पंजाबी के अगर आप लेजेंड लोग लो तो मैं पुराने लोगों की बात करता हूँ, कुलदीप मानक साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर हैं, सुरेंद्र कौर जी हैं अंदर, तो उनको याद तो किया हुआ है, वो उनसे कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। फोक मेरी रिसर्च रहे, मैं जगजीत जी को सुनता हूँ बहुत, जगजीत जी की मेलेडी, जगजीत जी का वोकल, उनके जो सोज और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग जो है वो बहुत मुझे पसंद। ऐसे जो टाइम जो आप कभी घर में गुनगुनाते हैं, जो कहीं कोई नहीं सुनता, वो आज हम सुनना चाहेंगे घर बैठे ही, जो आपके मन में आते जैसे मिट्टी दा बावा क्यों नी बोल दानी, क्यों नी चाल दानी, क्यों नी पर्दा हूं गारा नारो मिट्टी दया
बावे आवे तेरा प्यो वनजारा होठों से छू लो तुम। थैंक यू सर। अंत में अपना जो मैसेज देशवासी को, नया साल भी करीब है और ये गाना भी आपका नए साल के बिल्कुल एंड पर आ रहा है और ये माहौल भी रहेगा। तो मुझे वैसे थोड़ी थोड़ी याद जो है दिल लगी कुड़ी गुजरात दी आ रही, क्योंकि वो हमने दिसंबर 20 को किया था, ये हमने 20 डेज पहले तकरीबन एक महीना पहले रिलीज़ किया है, तो इन दिनों में हमने वो सारा कुछ जो तामझाम किया था। तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक और अच्छा म्यूज़िक सुनो, अपने कल्चर को ज़रूर लेके चलो तभी आप, और अपनी बोली को कभी ना भूलो, बोली को नहीं भूलोगे तो आपकी पहचान कभी मर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तेरे ठुमके के लिए। थैंक्स।